केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में दो रैलियों को संबोधित किया। तिनसुकिया जिले के मार्गरीटा के बाद शाह ने शिवसागर जिले के नाजिरा में जनसभा को संबोधित किया। मौके पर शाह ने असम वासियों से कहा कि एक बार फिर भाजपा को मौका दीजिए, हम असम को बाढ़ से मुक्त राज्य बना देंगे। यहां बता दें कि इससे पहले भी शाह ने भाजपा के लिए एक मौका मांगते हुए प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाने की बात कही थी। शाह ने कहा कि प्रदेश की बाढ़ की समस्या को लेकर भाजपा गंभीर है और इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। मित्रों, आज मैं आया हूं इतना ही कहने कि एक और 5 साल हमें मौका दे दीजिए, हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी नहीं आएगी। ऐसा जल प्रबंधन मोदी जी के नेतृत्व में होगा कि आसाम के आने वाली बाढ़ जो लोगों को तबाह करती है, वो बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े सरोवरों में ढाली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश हिंसा से मुक्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में तेजी से विकास हुआ है। 5 साल पहले हमने वादा किया था कि आप आसाम में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम आसाम को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। मैं नाजिरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये 5 साल में नाजिरा में गोली चलने की आतंकवाद की कोई आवाज आई है क्या? जोर से बोली, आई है क्या? हमने कहा था आप भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, सरकार बनाइए, हम आसाम को आंदोलन मुक्त करेंगे। नाजिरा में आंदोलन से युवाओं की मौत हुई है क्या? जोर से बोले, हुई है क्या? मित्रों, हमने कहा था आसाम को हम विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आसाम आज विकसित राज्य बनने के रास्ते पर चला है। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने एक ऐसी सरकार बनाई है, यहां से विपक्ष के नेता लड़ते हैं मगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते हैं, एक भी आरोप नहीं लगा सकते। एक पारदर्शी सरकार हमने। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मार्गरीटा सीट से भाजपा के उम्मीदवार विधायक भास्कर शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। मौके पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नेडा संयोजक डॉ. हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूद थे। मौके पर अमित शाह ने राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को तो वादे करती है, उसे पूरा कर दिखाती है, लेकिन कांग्रेस लोगों को विभाजन कर राजनीति करती है। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा को एक और मौका दे, असम को घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। सर्बानंद हेमंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद, ये एक विकल्प है। और दूसरा विकल्प है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और अजमल साहब का विकल्प है। आप बताओ भाई, आसाम का भला मोदी जी कर सकते हैं या बदरुद्दीन अजमल कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं? कौन कर सकता है बताओ भाई? ये राहुल बाबा अपनी गोदरी में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूमते हैं, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? बदरुद्दीन को साथ में रखकर आसाम सलामत रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? मित्रों, मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरी आसाम की जनता को वादा करने आया हूं, एक और 5 साल दे दीजिए, घुसपैठ आसाम के लिए भूतकाल बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी, यहां कभी घुसपैठ नहीं होने वाला। ये चाय बागान का क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जब चुनाव आता है चाय बागान याद आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक यहां आपकी सरकार थी, 10 साल तक
केंद्र में सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में प्रधानमंत्री आसाम से भेजे थे, मगर चाय बागान के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ही सरकार ने चाय बागान में मजदूरी मुआवजा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 रुपया देने का काम शुरू किया है और वो सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है। इसके साथ साथ अब तक 47,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को इसका फायदा दिया है और अब ये राशि बढ़ाकर 18,000 करने का काम किया है। वेतन बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय किया है और 8 सीट चाय बागान के बच्चों के लिए MBBS में रिजर्व करने का काम किया है।